नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से शुमार पवन सिंह का जब से शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर इंटरव्यू आया है, उसके बाद उस पॉडकास्ट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। 21 घंटे में मैं 2 बजे तकरीबन वीडियो बना रहा हूँ तो 22 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 2.2 मिलियन इंटरव्यू को देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1,90,000 से ज़्यादा लाइक्स के साथ 40,000 से ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट्स कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉडकास्ट का जो इंटरव्यू है ना, उस इंटरव्यू को शुभांकर मिश्रा ने भी अपने स्टेटस पे लगाया है और लिखा था उन्होंने कि 5 घंटे में ही ये इंटरव्यू जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। तो जनरली शुभांकर मिश्रा इस तरीके की पोस्ट नहीं डालते हैं, लेकिन पवन सिंह को लेकर डाला है तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तो होनी चाहिए। वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी डाला है कि ट्विटर पर जो है पवन सिंह के नाम से 5 नंबर पर ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर में चल रहे हैं ट्रेंडिंग। अब सवाल ये है, कुछ लोगों को ये हो कि भाई इतने इंटरव्यू आखिरकार लोग क्यों देख रहे हैं, क्या वो वजह है जिसकी वजह से सुपरस्टार पवन सिंह के इंटरव्यू को लोग देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या वो वजह है जिसकी वजह से पवन सिंह का ये इंटरव्यू को इतना ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आप लोग सहमत होंगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए, पवन सिंह बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ये बखूबी आप जानते होंगे। पवन सिंह कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। और पवन सिंह का जो विवाद है ना, वो चाहे हम अगर बात करूं तो अक्षरा सिंह को लेकर है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव को लेकर है, और भी तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। तो वो कंट्रोवर्सी का जवाब जो है वो आकर नहीं देते हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें उन कलाकारों का जो भी फैक्ट होता है ना, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं, सवालों के जवाब पूछते हैं जो कि पूछा जाना चाहिए। और पवन सिंह जब इसमें गए थे तो लोग जो भी अवेयर होंगे शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट है, वो जानते हैं कि इसमें कोई भी जाता है, कितना भी सॉफ्टेड इंसान हो, कितना भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला इंसान हो, वो इस पॉडकास्ट में बोली देता है। तो पवन सिंह को लेकर लोगों की छवि बनी थी कि भाई पवन सिंह ये सारी चीज़ों को लेकर जवाब नहीं देते हैं तो पवन सिंह जरूर जो है इन सारे मामलों को लेकर बोलेंगे, जिसकी वजह से पवन सिंह ज़्यादा बोले। और 2 घंटे बोलना ये अपने आप में बड़ी बात है, तो इसलिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं पवन सिंह के बारे में कि क्या सच में पवन सिंह वैसे इंसान हैं जो एटीट्यूड वाले हैं, खेसारी यादव के विवाद पर क्या बोलते हैं, अक्षरा सिंह को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें बोली है, चाहे वो पॉलिटिकल्स की बात कर लें, चाहे उनके पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें, इन तमाम सवालों का जवाब पवन सिंह ने दिया है जो कि आज तक नहीं दिए हैं। और खास करके शुभांकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट है उसमें सारी चीजों पर बातें होती है, तो इसलिए लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये पहला फैक्टर मुझे लगता है। दूसरा फैक्टर भाई फैन फॉलोइंग, शुभांकर मिश्रा का अलग फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह के दर्शक अपने अपने हैं। और ऊपर से अगर आप किसी को लेकर बोलते हैं, जैसे अक्षरा सिंह के फैंस आते हैं, फिर खेसारी लाल यादव के फैंस भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो सारे लोगों का मिक्सअप जो आ रहा है ना, उसकी वजह से जो व्यूज है वो ज़बरदस्त तरीके का रफ्तार जो है वो पकड़ते नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि 2 मेन वजह है जिसकी वजह से पवन सिंह के इंटरव्यू को लोग काफी ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं, जिसकी वजह से 5 घंटे में 1 मिलियन और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को पूरा देश दिख रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी पवन सिंह ने किन मुद्दों को लेकर क्या क्या बातें किया है ये बखूबी आप जानते होंगे, सुनते होंगे, और आप लोगों ने जान भी गया होगा। खेसारी यादव को लेकर क्या कुछ बोला है, अक्षरा सिंह को लेकर क्या कुछ बोला है, चाचा कब बनने वाले हैं, पॉलिटिकल उनका क्या चीजें रही है, इन सारी चीजों का जवाब पवन सिंह ने दिया है। तो आप लोग इंटरव्यू जाइए देखिए। मुझे एक अपडेट देना था कि किसकी वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर, तो पावर तो है ही भाई, जो भी है पवन सिंह एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनका एक अपना एक लेबल है, लेकिन इन वजहों से भी कहीं ना कहीं चीजों को देखा जा रहा है। बाकी भी इंटरव्यू देते हैं, एबीपी न्यूज पर भी इंटरव्यू दिए हैं, तो 1 मिलियन भी नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया है। बाकी आप लोग इस पर कैसे देखते हैं।